हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी यम्मी स्नैक्स, पनीर रोल, एकदम बेकरी या कैफे स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है, ये है पनीर अराउंड 100 ग्राम, एक प्याज बारीक कटा, एक शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, अदरक, बीन्स, गाजर खिसा हुआ और ये धनिया बारीक कटा हुआ। उसके अलावा मैंने लिया है ब्रेड। अब आप ब्रेड उतने लेना जितने आपको पनीर रोल्स बनाने। हल्दी है, आमचूर पाउडर है, उसके अलावा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा, नमक और इसको मैं फ्राई करूँगी बटर में और तलने के लिए तेल का इस्तेमाल करूँगी। और यह है उबले हुए मैश किए हुए आलू, यह है ब्रेड क्रम्स, उसके अलावा यह है मैदा, ये अराउंड 2 टीस्पून है। अब सबसे पहले हम बनाते इसके स्टफिंग के लिए सब्जी। यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बटर जैसे मेल्ट हो गया, मैंने इसमें डाला है जीरा, फिर उसके बाद बारीक कटा प्याज डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। इसको हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। जैसे थोड़ा सा भून गया उसके बाद मैंने डाला हरी मिर्ची, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। देन मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको खिस के डाला, आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो। डाल के अब थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जियों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटा बीन्स, बारीक कटा गाजर, फिर उसके बाद शिमला मिर्च डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सब्जियों में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो या सिर्फ आलू और पनीर से भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने डाला है पनीर। पनीर को मैंने छोटे क्यूब में काट के डाला, आप चाहो तो इसको खिस के मतलब ग्रेट करके भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। देन मैंने डाला है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल के मैं इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट इनका कच्चापन निकलना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आलू, आलू डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप चाहो तो गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हो, अदरवाइज़ कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ खूब सारा धनिया पत्ती, इसे हम लोग एक हेल्दी स्नैक्स बनाने वाले हैं इसलिए। अब मैंने डाला है धनिया पत्ती, डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। जैसे ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे हम बनाएंगे इसके रोल्स। अब ये स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद इसके हम लोग लंबे लंबे रोल बनाएंगे इस तरीके से। हाथ में लेके इसको पहले एक शेप में बनाएंगे, देन आफ्टर इसे इस तरह से हाथ से रोल घुमाते हुए लंबा सा रोल तैयार कर लेंगे, करके इसे हम लोग रखेंगे साइड में। इसी तरीके से हम लोग सारे रोल बना लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा स्टफिंग हाथ में लेके दोनों हाथ के बीच में दबाते हुए घुमाते हुए इसका रोल बना लेंगे, ना ही ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला। रोल करके इसे साइड में रखेंगे। इसी तरीके से आपको जितने रोल्स बनाने उतने आप बना के रख लेना। बनाने के बाद अब हम लेते हैं एक ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड का स्लाइस लेकर उसके कॉर्नर्स कटिंग करेंगे। कॉर्नर कटिंग करने से इसे फोल्ड करने में आसानी होती है। कटिंग्स को हम लोग सुखा के इसका ब्रेड क्रम बना के रख सकते हैं या ऐसे भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कटिंग्स मैंने कर लिए हैं साइड से, अब इसको मैं बेलूँगी। इसको आप जितना पतला बेल सकते हो उतना आप पतला बेल लीजिएगा। पतला बेलने से रोल करने में आसानी भी होगा और जो पनीर रोल है उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा रहेगा, पतला रहेगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको पतला बेल लिया इस तरीके से, एक मैंने बेल लिया है, इसको रख रही हूँ मैं साइड में। इसी तरीके से सारे ब्रेड्स या जितने आपको रोल्स बनाने हैं पनीर रोल, उतने ब्रेड्स को आप कटिंग करके बेल के रख लेना। बेलने के बाद अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। ये बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अब मैंने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस जिसे हमने बेल लिया था, उसके ऊपर मैं पानी लगा रही हूँ। ब्रश की सहायता से पानी लगा के अब मैं एक रोल ले रही हूँ जो वेजिटेबल और पनीर का है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बना लिया था। उसके ऊपर रख के हल्का हल्का पानी लगाते हुए इसे हम लोग रोल करेंगे। अगर हम लोग पानी नहीं लगाएंगे तो इजीली हम लोग इसको रोल नहीं कर पाएंगे। रोल करके अब मैं फिर से थोड़ा सा पानी का टच करते हुए इसे बंद करूँगी। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है अदरवाइज़ ये एकदम गीला हो जाएगा। हल्का हल्का ही पानी लगाना है। पानी लगा के अब मैं जो साइड के कॉर्नर से यहाँ पर भी हल्का सा पानी लगाकर इसे दबाते हुए बंद कर दूँगी।
बंद नहीं करेंगे तो इसके अंदर पूरा तेल चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इस तरीके से पानी लगा के हम लोग इसको बंद कर देंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से मैं पानी लगा के बंद कर दूँगी। बंद करके हमारा ये रोल बन के रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। साइड में रख के इसी तरीके से मैं पूरे रोल्स बना के रख लूँगी। अगर आप इस तरीके से रोल बना के जब खाना है तब आप फ्राई करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब ये रोल बन के रेडी है। मैं आपको एक और पनीर रोल बना के दिखा रही हूँ। मैंने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। एक ब्रेड का स्लाइस लेके इसके अंदर रख रही हूँ मैं सब्जी वाला रोल जिसे हमने बना के रख लिया था। फिर हल्का सा पानी लगाते हुए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। पानी लगाने से फोल्ड करने में आसानी होती है पर हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। अब मैं जो कॉर्नर है वहाँ पर भी हल्का सा पानी लगाते हुए इसे पैक कर रही हूँ। पैक करके मैं इसे अच्छे से बंद कर दे रही हूँ। बंद करके इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड्स के रोल बना के रख लिए। अब हमारे सारे पनीर रोल बन के रेडी हैं। अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने लिया है एक बर्तन, थोड़ा सा चौड़ा वाला लेना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 2 स्पून मैदा। मैदा लेके अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा घोल बना रही हूँ। इसका घोल ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। घोल बना के अब मैं इसको रखूँगी साइड में। अब एक बर्तन में मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। बर्तन भी थोड़ा सा चौड़ा होना है। इसमें मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। अब एक मैं पनीर रोल ले रही हूँ, उसको मैदे के घोल में डिप करके तुरंत निकालना है, बहुत देर नहीं रखना है। निकाल के उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ इस तरीके से। बस हमारा पनीर रोल बन के रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड प्लेट में। मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। एक पनीर रोल लेना है, उसके बाद इसको मैदे के घोल में डिप करना है इस तरीके से और तुरंत निकालना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से कोट करना है। अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगना ज़रूरी है, तभी ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से हम लोग सारे पनीर रोल बना के रेडी कर लेंगे। अब हमारे सारे पनीर रोल बन के रेडी हैं। अब हम लोग इसको करते हैं फ्राई। अब मैंने एक पैन में तेल गरम होने रख दिया। तेल जैसे गरम हो गया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर रोल। एक बार में जितने आ सकते हैं आप उतने डालना। डाल के मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होते तक या क्रिस्पी होते तक हमें फ्राई करना है। करते समय इन्हें बीच बीच में ऐसे पलटते हुए फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई होंगे और एक तरफ से नहीं होंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन भी हो गए, क्रिस्पी भी हो गए। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ प्लेट में। इसी तरीके से मैं पूरे पनीर रोल को फ्राई कर लूँगी। ये पनीर रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम लोग मार्केट से खरीद के बच्चों को देने के बजाय इस तरीके से घर में बना के दो तो ये हेल्दी भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। अब मैंने सारे पनीर रोल बना लिए। इसे सर्व किया है टमाटो सॉस के साथ। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।